नमस्कार, आप मुझे ब्लॉग्स विद कृष्णा चैनल पे देख पा रहे हैं। मैं स्टडी विद कृष्णा चैनल पे आपको कंपटीशन की क्लासेस के लिए पढ़ाता हूँ और इस चैनल ब्लॉग्स विद कृष्णा पे आपको यूट्यूब पर हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब पे टीचिंग के वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं या चैनल चलाना चाहते हैं या किसी और भी प्रकार का चैनल चलाते हैं या चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं वो हमारे दूसरे चैनल स्टडी विद कृष्णा पर विजिट करें। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ती है। लैपटॉप की ज़रूरत किन चीज़ों के लिए पड़ती है? देखिए, एजुकेशन का चैनल चलाने के लिए आपको बहुत से प्रेजेंटेशन PPT बनाने होते हैं या पढ़ाने के लिए आपको PDF बनानी होती है टाइपिंग करके, तो उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। आप जो भी वीडियो शूट करते हैं उसको अगर आप एडिट करते हैं तो उसके लिए भी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये सभी काम ज़्यादातर आपके मोबाइल पर भी हो जाते हैं, लेकिन लैपटॉप पर काम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आप ज़्यादा समय तक जब वर्क करते हैं तो छोटी स्क्रीन पर उतना बेहतर नहीं रहता है जितना कि आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। तो PPT बनाना हुआ या PDF है, वीडियो एडिटिंग है, या फिर आप लाइव आकर के पढ़ाना चाहते हैं तो भी आप लैपटॉप का यूज़ करके आप पढ़ा सकते हैं। आप अपना जो स्टूडियो का वर्क है, बैक ऑफिस का, चैनल का, वो भी आप यूट्यूब पे मैनेज कर सकते हैं आसानी से। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप एक नया लैपटॉप ख़रीदना चाह रहे हों, या फिर हो सकता है आपके पास पुराना कोई लैपटॉप है पहले से और उस पर आपका अच्छा वर्क नहीं हो पा रहा है तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। तो सभी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपका करूँगा कि आप जो है यूट्यूब पर खास करके टीचर जो हैं टीचिंग के लिए कौन सा लैपटॉप लें या अपने लैपटॉप को किस प्रकार अपग्रेड करें। तो चलिए बात करते हैं क्या चीज़ें चाहिए होती हैं आपको उस लैपटॉप में। मैं जो यहाँ पर आप ये लैपटॉप देख पा रहे हैं ये HP का लैपटॉप है और ये पुराना लैपटॉप है, काफ़ी समय से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने नए कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया है। तो क्या क्या इसमें करवाया है मैंने और कितना खर्चा आएगा, और यदि आप नया लेना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, मैं सभी बातों पे डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे ब्रांड के लैपटॉप के लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके इसका डिटेल देख सकते हैं कितने प्राइस का है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो आप उसको अगर ख़रीदना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे ही मिलते जुलते कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आप ले सकते हैं। तो देखिए, आप जब लैपटॉप की बात करते हैं कि कोई भी पर्पज हो, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो उस लैपटॉप के प्रोसेसर पे ध्यान देनी है। प्रोसेसर मैं जो रिकमेंड करूँगा वो i3 प्रोसेसर मिनिमम आप ज़रूर लें। i3 के ऊपर अगर आपका बजट है तो i5, i7 ये सभी उपलब्ध हैं। 10th जनरेशन और 11th जनरेशन इसमें जो लेटेस्ट है वो आप ले सकते हैं, आपके बजट पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर जो आपको बताऊँगा वो 30,000 से 40,000 के बीच में, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 30,000 से 40,000 या मैक्सिमम 45,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले ओवरऑल प्रोसेसर की बात करेंगे तो आप i3 प्रोसेसर लें मिनिमम, और यदि बजट है तो i5 i7 की तरफ आप जा सकते हैं इंटेल में। और अगर AMD में आप लेना चाहते हैं, देखिए प्रोसेसर में AMD भी आता है, तो उसका इसमें जो फेमस है वो है राइजन। तो राइजन में आप राइजन 3 मिनिमम लें, या अगर बजट है तो इसके ऊपर भी आप ले सकते हैं। तो आप इंटेल या राइजन में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं प्रोसेसर में। इसके बाद लैपटॉप में जो खास चीज़ है वो आती है रैम। लैपटॉप कितनी फास्ट चलेगा ये रैम पर भी निर्भर करता है। तो जो रैम है आपके वर्क के लिए, क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 4 GB की रैम वाला लैपटॉप लें। देखिए, अगर आपके पास बजट कम है तो शुरुआत में आप 4 GB का ले लें, क्योंकि रैम बाद में भी बढ़वाई जा सकती है और बाद में इसमें आप और 4 GB लगा के 8 GB भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप शुरू से ही 8 GB मिनिमम रैम लेकर के चलें। तो प्रोसेसर और रैम आप डिसाइड कर लिए। इसके बाद आती है हार्ड डिस्क की बात कि कितना मेमोरी स्पेस लैपटॉप में होना चाहिए। हार्ड डिस्क देखिए, आजकल 2 टाइप की हार्ड डिस्क आ रही हैं। एक होती है SSD और दूसरी जो पहले से प्रचलन में है वो है HDD।
तो ये दोनों में अंतर क्या है, जो SSD है वो लेटेस्ट है और उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बजट कम है तो आजकल लैपटॉप जो आ रहे हैं उसमें दोनों हार्ड डिस्क लगाने की व्यवस्था होती है, तो आप वो लैपटॉप लें जिसमें दोनों प्रकार की हार्ड डिस्क हों। 256 GB कम से कम SSD होनी चाहिए और उसके बाद HDD लगाने की भी व्यवस्था उसमें हो, और 1 TB HDD उसमें अगर लगा हो तो आपका काम चल जाएगा। 256 GB जो SSD है उस पर आप आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं जो फास्ट चलेगा, और जो 1000 GB आप HDD उसमें लगवाएंगे 1 TB या पहले से लगी होगी उसमें आपकी जो फाइलें हैं जो वीडियोज़ हैं वो आप आराम से सेव कर सकेंगे। तो लैपटॉप वो प्रेफर करें जिसमें दोनों व्यवस्थाएँ हों तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप 8 GB रैम का और अच्छे प्रोसेसर का लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि इसी बजट में आपको ग्राफिक कार्ड के साथ में भी मिल जाएगा, तो अगर मिल जाता है तो सो गुड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि लैपटॉप का साइज। तो देखिए, फुल कीबोर्ड के साथ में जो आता है जिसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड भी दिया होता है साथ में, ये 15.5 इंच के रेंज में जो साइज होते हैं वो लैपटॉप आते हैं, तो उसको आप लीजिए, उस पर काम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है तो बेहतर रहेगा। बाकी जो है अच्छे ब्रांड का अगर आप लैपटॉप लेंगे तो उसमें बैटरी बैकअप भी आपको बेहतर मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लैपटॉप के लिंक दिए हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि आप नया लैपटॉप अगर लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखें। इसके अलावा आपको कुछ बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ अच्छे ब्रांड हैं जैसे HP है, डेल, लेनेवो, आसूस, ये सभी कुछ ब्रांड हैं, और भी बहुत से ब्रांड हैं, आप जो आपकी पसंद का ब्रांड हो, मैं ब्रांड नहीं रिकमेंड करता हूं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया कि आप प्रोसेसर मिनिमम i3 लें, i3 के बाद में i5 i7 प्रोसेसर आते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं, बजट के हिसाब से कुछ कुछ पैसे का अंतर होता है। जो जनरेशन है वो आप 10th जनरेशन का ले लें या 11th जनरेशन का आप ले सकते हैं i3 में, तो वो बेहतर रहेगा लैपटॉप। रैम 8 GB, हार्ड डिस्क में SSD 256 मिनिमम और HDD 1 TB मिनिमम होनी चाहिए। ये जो पुराना लैपटॉप मेरे पास था ये i3 लैपटॉप था। देखिए, प्रोसेसर को आप पहले से ही बेहतर लेते हैं क्योंकि प्रोसेसर को बाद में अपग्रेड करना काफ़ी दिक्कत का काम है, तो ये i3 लैपटॉप था, इसको मैंने अपग्रेड किया क्योंकि ये अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा था अब वीडियो एडिटिंग का। तो अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है और मैं कहूँगा कि यदि वो i3 रेंज में है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं और वो बिल्कुल नए की तरह ही वर्क करेगा। ये 15.5 इंच साइज़ का i3 लैपटॉप था, इसको मैंने कैसे अपग्रेड किया है, देखिए इसमें SSD नहीं थी क्योंकि उस समय SSD आती नहीं थी, और इसमें यहाँ पर जो है DVD प्लेयर दिया रहता, पहले पुराने लैपटॉप में आपको मिलेगा, नए में DVD प्लेयर नहीं आ रहा है क्योंकि अब DVD का वर्क नहीं है ज़्यादा। तो इस DVD प्लेयर को मैंने निकलवा के यहाँ पे एक कैडी आता है उसको लगवा दिया है, तो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो आप DVD प्लेयर को निकलवा दीजिए और उसकी जगह एक कैडी आता है, कैडी लगवा दीजिए और उस कैडी में SSD हार्ड डिस्क डलवा दीजिए 256 GB, जो 2.5 से 3 हज़ार रुपये के बीच लगभग रेंज में मिल जाएगी। तो वो जो SSD आप लगवा देंगे मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल उसी प्लेयर की तरह होता है, तो उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं अपना विंडोज। SSD की बहुत फास्ट स्पीड होती है इसलिए आपके लैपटॉप की स्पीड तुरंत जो है मैक्सिमम हो जाएगी और बढ़ जाएगी, और जो HDD आपकी पहले से इसमें लगी हुई है हार्ड डिस्क वो वैसे ही आप लगी रहने दें, उसमें आप अपनी फाइल या वीडियोज़ वगैरह को सेव करते रहें। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अपग्रेड कर देंगे। SSD लग जाने से लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपकी डबल और ट्रिपल हो जाएगी, आप लगवाएंगे आपको फील हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ड डिस्क अपग्रेड हो गई। अब बात करते हैं रैम को, तो रैम इस लैपटॉप में जब मैंने इसको लिया था तो इसमें 2 GB रैम थी, उस समय वर्क कम था, लेकिन अब एडिटिंग के काम के लिए मुझे इसकी रैम को बढ़वाना पड़ा, तो इसमें मैंने जो है 4 4 GB की 2 RAM लगवाई हैं, 8 GB रैम इसमें मैंने करवा दी है। तो रैम को आप कभी भी बढ़ा सकते हैं लैपटॉप में, तो आप रैम 8 GB अपने में करवा लें, अगर 4 GB लगी है तो उसमें 4 GB एक और लगवा लें, 8 GB हो जाएगा, और अगर पहले से 8 GB है तो अच्छी बात है। तो रैम अपग्रेड करवा लिया, इसका प्रोसेसर मैंने अपग्रेड करवा लिया है, जिससे प्रोसेसर नहीं, इसका मैंने हार्ड डिस्क अपग्रेड करवा लिया और रैम अपग्रेड करवा लिया है, प्रोसेसर पहले से ही i3 था, तो काफ़ी अच्छा स्पीड मुझे मिला, जो पहले से मेरा पुराना जो लैपटॉप का फंक्शन था उसके बजाय मुझे अब 2 गुना
तेज ये परफॉर्म लगभग कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लगभग नए जैसा ही वर्क कर रहा है। तो आप पुराने लैपटॉप को भी जो है इस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नया ही ख़रीदें। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सी टिप्स मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ये हेल्प के लिए है। और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इस चैनल पे मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ और हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, एक जेन्युइन हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है यूट्यूब से चैनल बनाने से रिलेटेड, यूट्यूब पे टीचिंग वगैरह के, खास करके मैं टीचिंग से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।